स्टूडेंट्स, करारोपण के प्रभाव के अंतर्गत हम लोग करारोपण के अन्य प्रभाव का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने करारोपण, आर्थिक स्थिरता, करारोपण और मुद्रास्फीति, काफ़ी सारी टॉपिक्स को कवर कर लिया था। अब हम लोग लेंगे कर एवं मंदी। मंदी काल या मुद्रा संकुचन की स्थिति में करों को एक अन्य प्रकार की भूमिका अदा करनी पड़ती है। मंदी काल में नए कर लगाना सामान्यतः वांछनीय नहीं समझा जाता, क्योंकि इसमें एक ओर क्रय शक्ति कम हो जाती है तो दूसरी ओर विनियोग में कमी हो जाती है। लोगों की क्रय शक्ति में कमी होने का स्वाभाविक परिणाम यह होता है कि वे कम व्यय कर पाते हैं। इससे वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग सामान्य रूप से कम हो जाएगी और रोजगार एवं व्यवसाय क्रियाओं में शिथिलता आ जाएगी। विनियोग में कमी होने से रोजगार एवं व्यवसाय क्रियाओं में शिथिलता आ सकती है। अतः मंदी काल में यह आवश्यक है कि करों की मात्रा पहले से कम कर दी जाए, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि कर दी जाए, ऐसे उद्योगों को चालू किया जाए जिनमें अधिक व्यक्तियों को नौकरी मिल सके। मंदी काल के लिए घाटे के बजट का सुझाव दिया जाता है, क्योंकि ऐसे बजट से लोगों के हाथों में रहने वाली क्रय शक्ति के परिणामों में वृद्धि हो जाती है। मंदी काल में उन करों में कमी करना विशेष रूप से आवश्यक होता है जिनका भार कम आय वाले तथा निर्धन वर्ग पर अधिक पड़ता है। जिन करों का भार धनी व्यक्तियों पर अधिक पड़ता है, उनमें अधिक कमी करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उपभोग की मात्रा में केवल निर्धनों का कर भार कम करने से ही वृद्धि होगी। करों द्वारा जो धन का पुनर्वितरण होता है, वह मंदी को रोकने में सहायता करता है, क्योंकि पुनर्वितरण संबंधी करारोपण के कारण क्रय शक्ति समाज के धनी वर्ग की ओर से निर्धन वर्ग की ओर स्थानांतरित हो जाती है। यह भी सुझाव दिया जाता है कि मंदी काल में उपभोग को बढ़ाने के लिए बचत तथा धन संचय पर कर लगाना चाहिए, ताकि लोगों को अधिक व्यय करने के लिए प्रोत्साहन मिल सके और वस्तुओं की अधिक मांग उत्पन्न हो सके तथा व्यवसायिक क्रियाओं एवं रोजगार में वृद्धि हो सके। उन करों को घटा देना चाहिए जिनसे विनियोग हतोत्साहित होते हैं, क्योंकि ऐसे करों में उत्पादन क्रियाओं का स्तर नीचा ही बना रहता है और वे मंदी काल को बढ़ावा देते हैं। नए विनियोग को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए कुछ रियायतें देनी चाहिए। स्पष्ट है कि मंदी काल में करारोपण के द्वारा आर्थिक क्रियाओं को स्थायी रूप प्रदान कर सकें और रोजगार की स्थिति को सुधार सकते हैं। यह कहा जा सकता है कि मुद्रा स्फीति में नए कर लगाकर तथा पुराने करों की दरें बढ़ाकर लोगों की जेबों से अतिरिक्त क्रय शक्ति कम करके और मुद्रा संकुचन या मंदी काल में करों को हटाकर या करों की दरें कम करके अथवा नए करों का विचार स्थगित करके मूल्यों को स्थिरता प्रदान की जा सकती है और रोजगार की स्थिति को स्थायी बनाया जा सकता है। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए राजस्व संबंधी क्रियाओं का उपयोग आधुनिक सरकारें स्वयं करती हैं। करारोपण प्रत्येक सरकार की आर्थिक नीति का मुख्य अंग होता है। आधुनिक विद्वान इसी को कार्य संपादन संबंधी वित्त व्यवस्था के नाम से संबोधित करते हैं। प्रभावशाली कदम उठाने के लिए इस बात पर बल दिया जाता है कि करारोपण, सरकारी व्यय और सरकारी ऋण की एक समन्वयपूर्ण नीति अपनाई जाए। यह आवश्यक है कि इन राजकीय उपायों एवं आर्थिक नियंत्रण तथा उपयुक्त मौद्रिक नीति आदि अन्य उपायों के बीच समन्वय स्थापित किया जाए। करारोपण मूल्यों तथा रोजगार को स्थायी रखने में सहायक होता है। विगत वर्षों में लॉर्ड किन्स तथा लॉर्ड विलियम बेवरिज की रचनाओं द्वारा पूर्ण रोजगार का विचार बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया था और कर प्रणाली का प्रयोग इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जाने लगा था। लॉर्ड किन्स ने इस संबंध में जो विचार प्रस्तुत किए
उनका विवरण प्रोफेसर न्यूमैन के द्वारा इस प्रकार किया गया। वो कहते हैं कि जहां तक संभव हो ब्याज की दर को न्यूनतम रखा जाए ताकि लाभ अर्जित करने के लिए पूंजी का विनियोग सरलता पूर्वक किया जा सके। दूसरा बिंदु वो कहते हैं निजी विनियोग को सार्वजनिक विनियोग द्वारा सहायता दी जाए। तीसरा बिंदु वो कहते हैं कि प्रगतिशील कर प्रणाली का प्रयोग किया जाए जिसका बोझ बचत पर पड़ेगा, घटाते हुए उपभोग करने की शक्ति को दूर किया जाएगा। प्रोफेसर न्यूमैन कहते हैं कि हमारा अनुभव इसकी पुष्टि करता है कि नए विनियोगों पर गुणक प्रभाव बहुत कुछ वैसा ही था जैसा कि किन्स ने बताया था, और इससे सार्वजनिक निर्माण के नियोजन के काम को बहुत अधिक महत्व मिला है। यदि अमेरिकी व्यापारियों का एक बड़ा वर्ग घाटे के व्यय तथा उपभोग से होने वाले कुल वृद्धि में अविश्वास व्यक्त ना करता तो सार्वजनिक निर्माण की नीति को जो सफलता प्राप्त हुई उससे कहीं अधिक सफलता प्राप्त हुई होती। आर्थिक स्थिरता के विचार के अंतर्गत विनिमय स्थिरता और मूल्य स्थिरता दोनों ही शामिल हैं। पूर्ण रोजगार को प्राप्त करने के लिए आर्थिक स्थिरता अनिवार्य है। किन्स कहते हैं मौद्रिक नीति का उद्देश्य व्यापार चक्र के द्वारा उत्पन्न होने वाली तेजी और मंदी को कम करना एवं रोजगार के बिंदु पर बचत तथा विनियोग के मध्य साम्य स्थापित करना होना चाहिए। उनका कहना था कि आर्थिक स्थिरता के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का नियमन करना होगा। प्रोफेसर जर्ले डिलार्ड के अनुसार किन्स का विश्वास था कि निजी पूंजीवाद को बनाए रखने के लिए उसके सबसे बुरे दोष को दूर करना होगा। वह इसमें विश्वास करता था कि निजी औद्योगिक पूंजीवाद की मूल बातों में बिना कोई परिवर्तन किए इन दोषों को समाप्त या दूर किया जा सकता है। इसलिए आज के युग में आर्थिक स्थिरता के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए राजकोषीय नीति का प्रयोग और महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। अब हम लोग करेंगे करारोपण तथा पूंजी निर्माण। विकासशील देशों में मुख्य समस्या पूंजी निर्माण की गति को तेज करके उत्पादन बढ़ाने की होती है। करारोपण को इन अर्थव्यवस्थाओं में पूंजी निर्माण के एक महत्वपूर्ण साधन अथवा यंत्र के रूप में स्वीकार किया गया है, क्योंकि इसके द्वारा बचत तथा विनियोग को प्रोत्साहित किया जा सकता है और अप्रयुक्त साधनों का उपभोग संभव है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में जब तक पूंजी निर्माण की दर में 12-15% तक की वृद्धि नहीं होगी तब तक वे विकसित अर्थव्यवस्थाओं के समान नहीं हो सकेंगे। पूंजी निर्माण के अर्थ से अभिप्राय तीन बिंदुओं से है। पहला, उन साधनों को जो बेकार पड़े हैं या जिनका उपयोग उपभोग संबंधी क्रियाओं पर किया जा रहा है, जैसे पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में लगाना। दूसरा, एक सुदृढ़ बैंकिंग और वित्तीय व्यवस्था की स्थापना करना ताकि देश में बचत गतिशील की जा सके और विनियोग को बढ़ावा मिले। तीसरा, देश के मौद्रिक एवं अन्य साधनों को पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन के लिए लगाना। करारोपण विकसित एवं विकासशील दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं में पूंजी निर्माण में पर्याप्त सहायता प्रदान करता है। जिन देशों में आर्थिक विकास ऊंची अवस्था में है वहां लोगों की आय प्राप्त होती है और कर दे क्षमता अधिक होती है, इसलिए राज्य करारोपण के द्वारा पर्याप्त आय प्राप्त कर सकता है और आय को पूंजी निर्माण योजनाओं में लगा सकता है। यही कारण है कि हमें विकसित देशों में सरकार द्वारा सड़क, रेल, तार, टेलीफोन, जल, विद्युत शक्ति आदि की अनेक व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। इन सब की व्यवस्था सरकार द्वारा करारोपण से प्राप्त आय से की गई है अथवा ऐसे ऋणों द्वारा की गई है जो बाद में करारोपण द्वारा प्राप्त आय से चुकाए जाएंगे। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में निर्धनता
अमित्वय उपभोग तथा विनियोजन के उचित अवसरों के अभाव में पूंजी निर्माण की गति धीमी होती है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में पूंजी निर्माण की गति में वृद्धि की बहुत आवश्यकता होती है। इस दिशा में निजी प्रयास भी प्रभावी नहीं होते, इसलिए राज्य का यह कर्तव्य रह जाता है कि वह उस समय तक पूंजी निर्माण के प्रयास जारी रखें जब तक उनके अभाव में पूंजी निर्माण के स्तर को स्थायी रखना संभव ना हो। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि बचत और विनियोग को प्रोत्साहित किया जाए ताकि करारोपण सहायक सिद्ध हो। जब सरकार करारोपण के द्वारा पूंजी निर्माण करती है तो इसका भार निर्धन व्यक्तियों पर अधिक पड़ता है। एक और तो जीवन स्तर पहले से ही गिरा हुआ होता है और दूसरे करारोपण से जीवन स्तर और नीचे गिरने लगता है। इसलिए सरकार उपभोग पर नियंत्रण करके साधनों को पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में लगाती है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वह अप्रत्यक्ष करारोपण करती है। सरकार का यह प्रयास होता है कि लोगों के उपभोग को तत्कालीन जीवन स्तर से नीचे ना गिरने दिया जाए और आय में जितनी वृद्धि होती जाए उसे बढ़ते हुए अनुपात में पूंजी निर्माण में यूज किया जाए। सरकार के लिए यह वांछित है कि वह प्रत्यक्ष करों के द्वारा धनी लोगों के अपव्ययी उपभोग को कम करे या उस पर अंकुश लगाए, इसलिए वह व्यय कर, मृत्यु कर आदि लगाती है। इससे दो लाभ होते हैं, एक तो साधन अधिक आवश्यकता वस्तुओं के उत्पादन में लगाए जा सकते हैं और दूसरा करारोपण से प्राप्त आय को राज्य पूंजी निर्माण में लगा सकता है। सामाजिक और आर्थिक पूंजी जैसे सड़क, रेल, तार, डाक, नदियां, पर पुल आदि के निर्माण पर कर राशि को खर्च किया जा सकता है तथा सरकार स्वयं प्रत्यक्ष रूप से औद्योगिक उत्पादन में भाग ले सकती है। करों की प्रगतिशीलता की मात्रा का मापन तथा संपूर्ण कर प्रणाली की प्रगतिशीलता, इस बिंदु पर भी हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। करों की प्रगतिशीलता की मात्रा के मापन और संपूर्ण कर प्रणाली की प्रगतिशीलता के अध्ययन के बिना करारोपण का अध्ययन अधूरा होता है। करारोपण के लाभ के सिद्धांत को प्रोफेसर मिल ने इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि लाभ सिद्धांत के अंतर्गत गरीब व्यक्ति को अधिकतम कर देने पड़ते हैं क्योंकि सामाजिक वस्तुओं का अधिक उपभोग गरीब व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, अतः करारोपण कर दे क्षमता के अनुसार किया जाना चाहिए। कर दे क्षमता सिद्धांत के अनुसार सभी व्यक्तियों के द्वारा कर के भुगतान के रूप में किया गया त्याग बराबर होना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार करों का ढांचा प्रगतिशील होना चाहिए। प्रगतिशील करारोपण का औचित्य यही है कि एक धनवान व्यक्ति आय की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करके नीचे सीमांत उपयोगिता प्राप्त करता है। यदि वह आय की एक इकाई सरकार को कर के रूप में त्याग कर देता है तो उसे कम संतोष या कम उपयोगिता का त्याग करना पड़ता है, अतः धनवान की कर्तव्य क्षमता अधिक होती है। धनवान की कर्तव्य क्षमता कुल रूप में ही नहीं वरन प्रति इकाई आय के रूप में भी गरीब व्यक्ति से अधिक होती है। एक निर्धारित आय में से कर देने में धनवान को कम त्याग करना पड़ता है जबकि उसी राशि पर गरीब द्वारा उतना कर लगा दिया जाए तो उसे अधिक त्याग करना पड़ता है। अतः प्रगतिशील करारोपण समान सीमान त्याग के सिद्धांत पर ही हो सकता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि करारोपण के अनेक प्रभाव पड़ते हैं और एक अच्छी सरकार को अधिकतम सामाजिक कल्याण कर सके इस तरह के करारोपण की व्यवस्था करनी चाहिए।